हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं महेश टेक सॉल्यूशन चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ट्रेंड में चल रहे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आप देख रहे होंगे आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पे काफ़ी लोग अपने फ़ोटो को ओल्ड एज में कन्वर्ट कर अपलोड कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी ऐप के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। देखते हैं ये ऐप कैसा है और ये ऐप प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फेस ऐप यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे और इसे फेस ऐप में ओपन कर लेंगे। इसके बाद फेस ऐप थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, इसके बाद हमारा फ़ोटो ओपन हो जाएगा और हम जिस फ़ोटो को एडिट करना चाह रहे हैं उस फेस को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा फ़ोटो ओपन हो गया, मैं एक फेस सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसके बाद हम इसे ओल्ड और यंग करके दिखाएंगे किस तरीके से ये ओल्ड हो जाएगा और इसे यंग भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब ये ओल्ड फ़ोटो हो चुका है। अगर मैं इसे यंग करना चाहूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है यंग करने का, तो इसे हम इस फ़ोटो को यंग भी कर सकते हैं। इसी तरीके से इस फेस ऐप में काफ़ी फीचर्स दिए गए हैं, जिससे कि आप हेयर कलर है और सनग्लासेस हैं, स्माइल है, और आप इसमें शेप के अलग अलग तरीके के स्टाइल भी देख सकते हैं। बाकी जो इसके थोड़े एडवांस फीचर हैं दोस्तों, वो हमें इसके प्रो वर्जन में मिलेंगे, जो कि हमें परचेस करना पड़ेगा। अब देखिए, मैंने इसमें शेप का एक स्टाइल लगा के दिखाया है आपको। इसी तरीके से हम लोग इसमें काफ़ी और फीचर देख सकते हैं, जैसे कि इसमें हम अब इसमें हेयर कलर का देख लिया है, जो हेयर कलर यहाँ पर चेंज हो गया है। इसके बाद हम इसमें आपकी को अभी आपको सनग्लासेस लगा के दिखाएंगे कि इसमें अलग अलग तरीके के सनग्लास लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसमें फ़ोटो को स्माइल भी करा सकते हैं। वैसे तो फीचर इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हमें इसके लिए प्रो वर्जन परचेस करना होगा। अब यहाँ पर देखिए, फ़ोटो स्माइल करने लगेगा, मुझे इस पर जस्ट क्लिक करना होगा। इसके बाद ये फ़ोटो नॉर्मल फ़ोटो भी स्माइल करता हुआ नज़र आएगा। काफ़ी अच्छा ऐप है दोस्तों, बस आपको डेटा ऑन रखना होता है, और आपका अगर डेटा फास्ट है तो आपका फ़ोटो जल्दी से रेडी हो जाता है। अगर आपके डेटे में थोड़ा स्पीड हल्का आ रहा है तो थोड़ा ऐप प्रॉब्लम कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, ये एक फ़ोटो स्माइल करता हुआ बन चुका है। इसी तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके के फ़ोटो बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।